Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video I'm going to discuss about important question जो कि circulatory system से related है, heart, excretions ये सब क्या होते हैं उससे related आज हम important question करेंगे. तो start करते हैं आज का first question. क्या है? Height और weight पूछा गया है human heart का. Human heart में height क्या होती है और weight क्या होता है? तो देखो जो size होता है ना उसका, वो two है, heart का 12 × 9 cm होता है. और अगर वेट की बात करें तो 300 ग्राम हार्ट का जो है वेट होता है. तो आपको पता चल गया हाइट और वेट क्या होती है. फिर से अगर हम बात करें जो हार्ट की बीट होती है ह्यूमंस में पर मिनट, वो कितनी होती है? 6200 होती है. 6200 भी हो सकती है, उससे ऊपर भी हो जाती है पर मिनट में. अगर हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ज़्यादा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और हार्ट जो है वो पंप करेगा. और जितना ज़्यादा पंप करता है उतनी ज़्यादा जो पंपिंग है वो पर मिनट की वो बढ़ जाती है. तो नॉर्मल जो होती है वो 60-70 से 100 पर मिनट होती है. ठीक है. और अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा गया है द वॉल्व्स प्रेजेंट इन बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. जो हार्ट होता है हमारा उसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं. ऐसे करके 4 चैम्बर होते हैं जिसे ब्लड जो है पास होता है. तो राइट आर्ट्रियम क्या होता है? ये वाला सबसे पहला वाला. उसके बाद होता है राइट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल और आर्ट्रियम के बीच में एक जो है माउथ होता है जिससे आर्ट्रियम से लेके जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाता है. जो वो माउथ होता है उसको वॉल्व कहते हैं. वॉल्व को जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होती है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है. उसी के थ्रू जो है वो ओपन होता है माउथ और फिर बंद हो जाता है. जब ब्लड जा रहा होता है तो वो माउथ जो है खुल जाता है, वॉल्व जो है वो खुल जाती है और फिर उसके बाद वॉल्व बंद हो जाती है. तो जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है, माउथ होता है, वो उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. नाम होता है उस वॉल्व का. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. जो बॉडी पार्ट्स में से ब्लड आता है हमारी उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वीना कावा. जो बॉडी वेसल्स होती हैं, जो वेसल्स में जो ब्लड आता है बॉडी पार्ट्स से उसे वीना कावा कहा जाता है. ठीक है. अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब बात करते हैं लेफ्ट की. तो वो राइट वाली पार्ट बात की थी जो राइट की तरफ थी, और जो लेफ्ट की तरफ होती है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो लेफ्ट वाली होती है उसमें भी सेम माउथ होता है. उसका माउथ का नाम जो होता है बाइकस्पिड वॉल्व होता है और मिट्रल वॉल्व होता है. इसके दो नाम होते हैं. हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कह सकते हैं. ठीक है. अब बात करें क्वेश्चन 5 की अ वेन विच कैरी ऑक्सीजनेट ब्लड. एक वेल्व होती है उसमें जो बात करें अगर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और एक होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है. तो जो ब्लड होता है ऑक्सीजन लेके हार्ट में आता है, जो रास्ता हार्ट में ऑक्सीजन वाले ब्लड में से जो आता है, कैरी करता है ऑक्सीजन ब्लड को, वो कहते हैं पल्मरी वेन्स. पल्मरी वेन्स कौन सी होती हैं? जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं. ठीक है. उसे कहते हैं पल्मनरी वेन्स. उसके बाद अगर जो आर्टरी होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्टरी विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक होता है जो ऑक्सीजन लंग से ऑक्सीजन लेके आती है, और एक होती है जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में नहीं होता है, उसको कहते हैं पल्मरी आर्टरी. वो आर्टरी होती है जिसमें पल्मरी वेन में तो ब्लड ऑक्सीजन वाला होता है, और पल्मरी आर्टरी वो होती है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहा जाता है. तो फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू को ब्लड कहा जाता है, जो कि फ्लूइड से कनेक्टेड टिश्यूज का पूरा एक टिश्यू सेल से सेल बनके ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं. और जो फ्लूइड टिश्यू होता है, फ्लूइड से कनेक्टेड टिश्यू होते हैं, उसे ब्लड कहा जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 द एलिमेंट नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग के लिए एलिमेंट कौन सा काम आता है, कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो है कैल्शियम. कैल्शियम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में. ब्लड क्लॉटिंग कैसे बनती है? प्लेटलेट से बनती है, जो कि हमारे खून के जो खून होता है, जब खून बाहर आता है हमारा, जब हमें चोट लग जाती है खून आता है, फिर उसके बाद खून जो है थोड़े टाइम बाद खून रुक जाता है, उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है.
तो वो बनना जरूरी है। अगर वो नहीं बनेगा तो हमारा खून जो है फ्लो करता रहेगा और रुकेगा नहीं। तो कैल्शियम इज द मेन एलिमेंट जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द मिनट ब्लड वेसल्स दैट जॉइन आर्टरी एंड वेन्स, एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, उसे कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। जो आर्टरी वेन्स होती है जो कि रेड कलर की होती है, और जो वेन्स होती है आर्टरी होती है वो रेड कलर की होती है, वेन्स होती है ब्लू कलर की, और जो इन दोनों को कनेक्ट करती है उसे कहते हैं कैपिलरीज। इसका क्वेश्चन रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, अ ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ऑक्सीजन टू द हार्ट। अब बताना है कि कौन सी ब्लड वेसल है जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन को हार्ट में। हार्ट में जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है उस वेन्स के थ्रू, किस वेन्स के थ्रू होता है? पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है हार्ट में, उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ब्लड सेल्स जो कि डिफिशेंसी ऑफ विच कॉज एनीमिया, ब्लड का कौन सा सेल होता है जिसकी वजह से एनीमिया हमें हो जाती है? एनीमिया जो है रेड ब्लड सेल आरबीसी की वजह से एनीमिया हो जाती है। अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, ये तीन जो होती हैं वो बखूबी महत्व होती है हमारी बॉडी में। तो रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? जो अगर वो ना हो तो एनीमिया की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वाइट ब्लड सेल्स ना हो तो हमारे जो अंदर के जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो नहीं मर पाएंगे। प्लेटलेट्स तो जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करती हैं, तो ये होते हैं काम ब्लड के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ये रहा, ये क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसे क्या कहा जाता है? वो है कैपिलरीज। वेन्स होती हैं हमारे जो हाथों में भी दिखाई देती हैं, वेन्स ब्लू कलर की, रेड कलर की, वैसी होती हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है उसे कहा जाता है कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 13, द विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में नेसेसरी है? विटामिन के है। विटामिन के खाने से हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। विटामिन के की भरपूर मात्रा हमारी बॉडी में होना चाहिए। विटामिन के अगर हम बात करें किसमें होता है, तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है यूज टू मेजर हार्ट बीट, अब हार्ट बीट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा? तो होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब कुछ में 14, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कौन सा होता है? वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का लिक्विड पार्ट। ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्लड, तो उसी में जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो लिक्विड होता है वो उसे कहा जाता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्रोसेस और एक चीज और, जो प्लाज्मा होता है वो क्या करने में मदद करता है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होगी और हम बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। और आजकल हमें अगर कहीं कोविड से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए हमें प्लाज्मा की बहुत जरूरत पड़ रही है। हर किसी में प्लाज्मा की कमी है, प्लाज्मा ना होने की वजह से वो कोविड से नहीं बच पा रहे हैं, कोविड से फिर जो प्लाज्मा है लोगों को डोनेट करना पड़ रहा है ताकि उनको इम्यूनिटी मिले। तो इसीलिए प्लाज्मा बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, देखो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रेशन कहा जाता है। इससे पहली वाली वीडियो जो है वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, उसमें मैंने एक्सक्रेशन के बारे में बहुत डीप में बता रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है, और ऊपर कार्ड जो है उसमें भी पॉपअप हो रहा होगा, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एक्सक्रेशन के बारे में बता रखा है, एक पार्ट बता रखा है कैसे वो काम करता है, क्या होता है एक्सक्रेशन, बहुत चीजें उसमें टॉपिक में एक्सक्रेशन के बारे में है। सो एक्सक्रेशन जो होता है, पहले अगर हम शॉर्ट में बोले तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, टॉक्सिसिटी जो होती है, जो हमारी किडनी के द्वारा जो यूरिन होता है उसके द्वारा हम निकलती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द स्ट्रक्चर दैट ब्रिंग्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लड, तो ये एक प्रोसेस होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ इस तरीके का होता है किडनी का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे तरीके का हमारा अगर हम बनाएंगे तो ये होती है किडनी की स्ट्रक्चर। तो ये जो पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, इसको
जिसे किडनी के थ्रू यहाँ से जाता है, तो ये होता है यूरेटर। यूरेटर ये जो पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में नीचे जाता है, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, तो वहां जाता है। तो कि किसके थ्रू जाता है, स्ट्रक्चर अगर हमने बनाया है किडनी का, तो यूरिन फ्रॉम द किडनी वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, तो किसके थ्रू जाता है, यूरेटर के थ्रू। तो ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये इसे कहते हैं यूरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है मैन में, वो क्या होता है, किडनी होता है। तो एक्सक्रेटरी जो होती है, एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, मतलब कि टॉक्सिसिटी मेटाबॉलिज्म जिससे फिल्टर आउट होता है, मेरे बॉडी से निकलता है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या होता है, वो होता है किडनी। क्वेश्चन नंबर 19, द सब्सटेंस फाउंड इन एक्सेस इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज के पर्सन जो होते हैं ना, जिन्हें डायबिटीज होती है, उनमें सबसे ज्यादा अगर हम यूरिन में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डायबिटीज होती है, ठीक है, तो उनके यूरिन में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फॉर्म बाय द लंग्स, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो लंग्स से एक्सक्रेटर करते हैं, लंग्स से जो निकलते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स से एक्सक्रेटर करता है प्रोडक्ट, लंग्स से निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि एक्सक्रेटरी मतलब अगर हम कहीं फिल्टर आउट होना, ठीक है, तो फिल्टर आउट क्या होता है, मतलब कि लंग से निकलता है वेस्ट, वेस्ट कुछ हमारी बॉडी से निकलता है, तो लंग से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे हों, बहुत अच्छे समझ आया हो कि हमारी हार्ट कैसे वर्क करता है, क्या क्या मेन मेन चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बता दिया करो गाइज, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, आपको नई नई चीज़ें ही सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।